ये वही नीति है जिसे बस करो राजीव, बस करो प्लीज। तुमने ना नीति को लेके अपने दिमाग में एक छवि बना ली है और तुम्हारी सारी सोच ना उसी के आसपास घूम रही है। ताई जी के अलावा एक तुम ही थे जो नीति पे लगे सारे इल्जाम को सही मान रहे थे। परी और राजीव क्या हो जाएंगे हमेशा के लिए अलग? क्या राजीव को है अब परी की जान से ही खतरा? शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो परी और राजीव हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हैं। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि कम से कम तुम तो मेरा साथ दो, लेकिन फिर भी तुमने। परी, नीति पर इस तरह का अंधविश्वास करना बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत ही चालाक कुड़ी है वो, तेरी जिंदगी नर्क बना देगी, बता रही हूँ। ताई जी, आप नीति को कुछ टाइम से जानते हो। राजीव हर मुश्किल से बचाता है परी को। इनफैक्ट राजीव ने तो परी को तब भी बचाया है जब वो नीति से प्यार करता था, लेकिन यहाँ पर परी और राजीव की बढ़ती नजदीकियां देख नीति को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। नीति एक बार फिर से कुछ ना कुछ ऐसा करने वाली है जिससे परी की जान खतरे में चली जाए। लेकिन मैं उसे बचपन से जानती हूँ और इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और जितना भरोसा तुम्हें है ना नीति पे, उतना ही भरोसा मुझे अपनी ताई जी पे है। और कभी कभी तो कभी कभी क्या कभी कभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी नीति की इस घर में जितनी इंसल्ट हो रही है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि वो मेरी दोस्त है। यहाँ पर परी की जान को खतरे में डालने के लिए इससे पहले भी झूमर गिरवा चुकी है नीति। पुलिस भी आती है लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत ऐसा मिलता नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राकेश और नीति एक बार फिर से हाथ मिला चुके हैं क्योंकि वो जो है परी को खत्म करना ही चाहते हैं। यहाँ पर नीति के मन में ये बात आ गई है कि चलो ठीक है, अगर ताई जी ने मुझे गुस्सा किया, एक बार पकड़ लिया, मुझ पर डाउट किया, अगर मैं एक बार हार गई तो क्या हुआ, आगे तो नहीं हारूंगी और मैं संजू को अपना बनाकर ही रहूंगी। दूसरी तरफ भविष्यवाणी करती है एक औरत और बोलती है कि अगर बेटा तुम परी को बचाओगे तो तुम्हारी जान खतरे में चली जाएगी। ठीक वैसे ही कि जब कोई जन्म लेता है तो उसके साथ जो है और भी चीजें जुड़ती हैं, तो ऐसे ही परी की जान के साथ उसकी जान को जो खतरा होगा तुम्हें भी खतरा होगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।